कारा चटनी बनाने के लिए पैन में 2 टेबल स्पून ऑयल ऐड करेंगे। तेल जैसे ही गर्म हो जाए हम इसमें 1 चम्मच चना दाल ऐड करेंगे, 1 चम्मच उड़द दाल और फिर हम इसमें 2 सूखी लाल मिर्च ऐड करेंगे। इन तीनों को हमें अच्छी तरह से भून लेना है जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए। और जैसे ही इसका कलर चेंज हो जाए हम इसमें 1 बारीक कटा हुआ प्याज ऐड करेंगे और 5 से 6 लहसुन की कली ऐड कर देंगे। इसे भी हम सॉफ्ट होने तक भून लेंगे। तो इसे हमें चलाते हुए सॉफ्ट होने तक भून लेना है। ये जैसे ही हल्का सा सॉफ्ट होने लगे हम इसमें टमाटर ऐड कर देंगे। इसके साथ टमाटर भी हमें सॉफ्ट होने तक भूनना है। थोड़ा सा हम इसमें नमक ऐड कर देंगे ताकि ये जल्दी से सॉफ्ट हो जाए और फिर से इसे चलाते हुए हमें भून लेना है। यहाँ पे मैंने इसे लो फ्लेम में 5 से 6 मिनट भून लिया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका कलर चेंज हो गया है और ये काफ़ी अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। तो इसे अब हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ पे इसे अच्छी तरह से ठंडा कर ले, फिर इसे हम ग्राइंड कर लेंगे। यहाँ पे ये ठंडा हो चुका है। अब हम एक मिक्सी का जार लेंगे और इन सभी चीज़ों को मिक्सी के जार में डाल के पीस लेंगे। ध्यान रहे इसे ठंडा होने के बाद ही मिक्सी के जार में डालें और फिर हम इसमें इमली ऐड कर देंगे। आप चाहे तो इमली का पानी भी इसमें ऐड कर सकते हैं और थोड़ा सा पानी डाल के इसे हम ग्राइंड कर लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इसे ग्राइंड कर लिया है। इसकी कंसिस्टेंसी हल्की सी थीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। आप चाहे तो अपनी पसंद से इसकी कंसिस्टेंसी पतला या गाढ़ा रख सकते हैं। तो यहाँ पे चटनी हमारा रेडी हो चुका है। अब इसमें हम तड़का लगा लेंगे। तो ये लीजिए, चटनी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो अब हम तड़का लगाएंगे। तो यहाँ पे मैंने 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल ऐड कर देंगे और फिर हम इसमें राई ऐड करेंगे। तो काली वाली सरसों ऐड कर दे और 2 सूखी लाल मिर्च ऐड कर दे और फिर हम इसमें करी पत्ता ऐड कर देंगे और फिर इसमें हम तड़का लगा लेंगे। तो ये हमारा चटनी बिल्कुल रेडी हो चुका है बनके। आप इसे डोसा इडली के साथ खा सकते हैं या फिर आप इसे उत्पम के साथ भी खा सकते हैं। तो यहाँ पे अब हम इसे सर्व करेंगे। कारा चटनी साउथ की बहुत ही फेमस चटनी है और इसे डोसा इडली के साथ ज़रूर बनाया जाता है। ये खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये चटनी पसंद आए तो आप इसे डोसा इडली के साथ ज़रूर सर्व करें। तो इसे मैंने डोसा के साथ सर्व किया है।